सत श्री अकाल दोस्तों, आज का अपना विषय है सर छोटू राम, इनकलाबी योद्धे दे इतिहास की आप जी नाल सांझा पाउन दी निमानी जही कोशिश कर रही हैं। किस तरह उन्होंने पंजाब के किसानों की लड़ाई सारा जीवन काम किया, आओ चलते हाँ अज की वीडियो वाल। सर छोटू राम रोहतक जिले के छोटे जिहे पिंड विच सामला विच थोड़ी जही वरानी जमीन वाले करजाई किसान के घर 24 नवंबर 1881 में पैदा हुए सन। बाद विच अपना जन्मदिन वो हमेशा ही बसंत पंचमी वाले दिन ही मनाते सन। 10 साल की उम्र विच स्कूल भेजे गए अते अगले ही साल विआह हो गया। पढ़ाई च बहुत होशियार निकले अते गरीबी के बावजूद आगरे तो लॉ की डिग्री कर ली। उन्होंने लीगल जीनियस कहते सन, पर उन्होंने अपना ज्ञान पैसे कमाने लिए नहीं सगो सारी उम्र किसान की भलाई लिए प्रयोग किया। उन्होंने लगन अते सीरत नाल अनगिनत अजिहे काम किए जो किसानों लिए हुण भी चानण मारदे हन। उन्होंने बचपन तो ही किसानों की गरीबी बेबसी अते शाहूकारा हत्थां हुंदिया कुरकियां अते अपमाना नूं अपने पिंडे ते हंडाया सी। इस दे सारे धर्मां दे किसान दी भलाई करन नूं अपना जीवन मनोरथ बना लिया। सन 1921 विच पहला चोन लड़न तो लै के 1945 विच बड़ होए देहांता तक उन्हां दे कदम इस दिशा तो कदे नहीं थड़के। सर छोटू राम दा संघर्ष किसानां दी लूट खसूट अते व्यापक बेइंसाफी अते भेदभाव खिलाफ सी। उन्हां दा मंतव किसानां नूं लुटेरे शाहूकारां अते भ्रिष्ट अफसरशाही दे चुंगल चों मुक्ति दवाना सी। इस मंतव लई उन्होंने 1916 विच जाट गैजट शुरू करके सारे पंजाब किसानां नूं जागरूक करन दा पिर चुकिया। उन्होंने पेंडू लोकां नूं जागरूक अते सरगम हो के रूढ़ीवादी अते भागवादी विचार त्याग के पश्चिम सभ्यता दे विज्ञानिक तर्कशील विचार अपनाउन दी प्रेरणा दित्ती। उन्होंने सर फाजली हुसैन नाल मिल के किसान दे पार्टी यूनियन लिस्ट पार्टी जिमीदारा लीग बनाई। उन्होंने किसान नू ना उसकी छड़ के बुलंद आवाज विच अपने हक मंगन लई पुरजोर अपील की। ओहो धार्मिक सन पर धर्म नू राजनीति तो बिल्कुल अलग जान दे हामी सन। ओहो निरोल किसानां दी धर्म निरपेख पार्टी दा के जोर प्रचार राही सत प्राप्त करके पेंडू वर्ग नू उन्हां दे हक दवाना चाहते सन। ओहो पिंडां विच सिक्ख्या दा प्रसार नारी शक्तिकरण शहरां वर्गियां सब सहूलतां दे हामी सन। हिंसा नू ओहो जनतक अंदोलन दे दुश्मन समझते सन। 2 साल 3 महकमे अनेक काम 1923 दी चोन जीत के ओहो पहली बार पंजाब विधानकार कौंसल दे मैंबर बने अते लाहौर सदा लई उन्हां दी कर्म भूमि बन गई। 1924 विच ओहो पेशावर अते गुड़गांव अते दूर हिमाचल तक फैले पंजाब दे खेतीबाड़ी उद्योग मंत्री बनाए गए। बाद विच सिक्ख्या मंत्री भी रहे। 2 साल दे कार्यकाल विच उन्हां ने किसान भलाई दे अनेक काम किए। सर छोटू राम दे किसानां अते होर पेंडू वर्गां लई कीती कम्मां नूं वेख के शहरी वर्ग अते सियासी पार्टी दे कन्न खड़े हो गए, क्योंकि इन्हां विचों बहुतियां दे हित पेंडू वर्गां नूं लुट्टण ते ही निर्भर सी। इस लई उन्हां ने 1926 दीआं चोणां विच उन्हां नूं हराउण लई हर हीला वरत्या, पर मूंह दी खाणी पई। फिर ओह उन्हां नूं 3 मैंबरी कैबिनेट तों बाहर रखण विच जुट गए अते सफल रहे। पार्टी विच फूकी नवीं रूह, विरोधी पार्टियां दी इह चाल गुजा वरदान सिद्ध होई। उन्हां दी पार्टी विच मुसलमान मैंबरां दी भारी बहुगिनती सी, पर उन्हां ने एक मत हो के सर छोटू राम नूं पार्टी प्रधान बना दिता। ओह तुरंत पार्टी दे ग्रामीण चेहरे जमींदारा लीग विच नवी रूह फूकन विच जुट गए। उन्हां नूं अटल विश्वास सी कि किसान वर्ग दा भला सिर्फ किसान ही कर सकते हैं। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਨੁਕਤੇ ਕਾਰਜ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੀ
शाहूकारा ते सरकार द्वारा हो रही लूट नू नथवाना, भ्रिष्टाचार विरुद्ध संघर्ष, धार्मिक मूलवादियां अते कट्टरपंथियां दे हानिकारक प्रचार दे विरोध, धर्म अते जाति तो उपर उठ के निरोल आर्थिक मुद्दिया अते जथेबंद होना, सरकार नौकरियां अते संस्थावां विच पेंडू वर्ग की प्रतिनिधिता यकीन बनाना जरूरी सी। शाहूकारा दे कोर विरोध अते सरकार दी दमनकारी नीति ते सर छोटू राम दी लगन अते मिकनासी शख्सियत अगे एक ही चली कि किसान डर आलम अते चुप त्याग दे निधड़क हो गए। लोक लहर दा सर्वव्यापी प्रभाव पिया। 1937 दिया चोणां विच यूनियनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस अते मुसलमाना लीग नू हरा के जबरदस्त जीत प्राप्त की थी। ताकतवर सरकार बनन ते सर छोटू राम ने सब तो पहला किसान भलाई फंड इस राही किसान भलाई दे एह काम करने सन। सोके काल व टिड्डी दल अते हड़ा कारण होया नुकसान समय मदद करना, घट व्याज ते कर्जे देना, सहकारी मंडीकरण राही किसानों नू फसल का उचित मोल अते सस्ते खेती सन दवाना, पच्छमी पंजाब च हड़ा कारण खुरी जमीन नू वही योग बनाना, लघु कुटर अते दस्तकारी ते पेंडू उद्योग होशियार पर गरीब विद्यार्थियों नू देश अते विदेश विच पढ़ाई करन लई वजीफे देना। इस वंड विच 2 साल च 90 लाख रुपए जमा हो गए। सरकार हर साल मामले विच 10 लाख रुपए दिंदी सी। इस नाल अनगिनत किसानों का भला होया अते बेशुमार विद्यार्थी उच्च सिक्ख्या प्राप्त कर सके। पाकिस्तान का नोबल पुरस्कार जेतु डॉक्टर अब्दुल सलाम भी इस फंड कारण इंग्लैंड जा के पढ़ सके सन। हुण अजिहा फंड दोबारा स्थापित करन दी अत्यंत लोड़ है। विदेशों विच रहिंदे पंजाबी इस विच वड्डा योगदान पा सकते हैं अते ऑनलाइन जमा अते पैसे पैसे दा मुकम्मल तौर ते पारदर्शी हिसाब रख्या जा सकता है। 1937 दियां चोणां तो बाद इस जागृति दा नतीजा 1937 दियां चोणां विच ही सामने आया। पाकिस्तान आ बनाउण दी मांग दे फैल रहे शहर दे बावजूद सर छोटू राम दी पार्टी ने 175 विच 95 सीटां ते जीत प्राप्त की। मुस्लिम लीग सिर्फ एक सीट तो ही सिमट गई। आर्थिक मुद्दे फिरका प्रस्ती दा इलाज सिद्ध होया। सरकार नू होर मजबूत करन लई दो छोटे पार्टियां मदद दी पेशकश भी स्वीकार कर ली गई। मुसलमान भाईचारे ते सब तो वध मैंबर होण करके सर सिकंदर हयात खान नू मुख मंत्री बनाया गया। फाजिलका दे जंपल नैशनल प्रोग्रेसिव पार्टी दे प्रधान सर मनोहर लाल नू खजाना मंत्री बनाया गया। सर छोटू राम दे सुनहरे कानून किसानों की भलाई कारण अते फिकरा प्रस्ती नू ठल मान लई सर छोटू राम ने अपना आर्थिक प्रोग्राम लागू करन दी कानून बनाया ते उह कानून बनाउण दी इक चड़ी ही लगा दित्ती उन्हां ने। बाकी जानकारी लई भाग 2 देखो। वीडियो पसंद आई होवे तां लाइक शेयर अते कमेंट जरूर करो। जेकर साडे चैनल ते तुसी पहली बार आए हो तां सबसक्राइब करो तां कि भविख विच आन वाली सारी वीडियो तुहानूं सब तों पहलां मिल सकण। वीडियो देखण लई धन्नवाद। सत श्री अकाल।